अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे हैं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, लोग हो गए पूरी तरीके से रेडी, लोगों को पूरा रेडी कर दी हूँ मैंने। और मैं लाइवा का दिखाती हूँ, रज़िया सुल्तान। तो बस ना निकलने का टाइम हो रहा है, शार्प 8 बजे पहुँचने का है। सुल्तान सुल्ताना, अच्छा। तो बस ना, बस 5 मिनट बाकी है, हम लोग पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। तो मैं दिखाती हूँ लाइवा कैसे रेडी हूँ। बस यहाँ पे हो गई ये लाइवा रेडी और बस हम लोग निकलने का टाइम है। अजीम, अजीम भी मेरा हो गया रेडी। ये बस हम लोग निकलेंगे अभी, बहुत टाइम हो रहा है क्योंकि टीचर का फ़ोन आ जाएगा वरना। तो चलो निकलते हैं। आसिम उठ गया है, बस उठो, यहाँ भी तैयारी होने वाली और हम लोग निकल रहे हैं, मिलते हैं स्कूल में। मम्मी ये कहाँ रखूँ, अपने हाथ में पकड़ूँ तलवार? और ये आ गए हम लोग रोड पर, और ये रोड पर इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी ना, मतलब हर जगह स्कूल के बच्चे बोलो, स्टूडेंट्स और मतलब हर जगह कहीं ना कहीं फंक्शंस वगैरह, रैली वगैरह चली रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, रिपब्लिक डे मना रहे थे। तनवर नगर के अंदर साइड में कुछ तो स्टेज वगैरह बना हुआ था, तो वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, मतलब बाइक नहीं निकल सकती थी वहाँ पे। तो हम लोग को पूरा घूम कर कब्रिस्तान की तरफ से जाना पड़ा। मुझे बहुत गुस्सा लगी थी बच्चे लोग को भी कि मतलब लेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ले रही थी बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स, क्योंकि सुबह से उठे थे कुछ भी खाए पिए नहीं थे, तो मैंने थोड़े से स्नैक्स ले लूँ। वैसे थोड़ा सा मिला था उन लोग को, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा खा लेना है। पैदल Thank you.
शिवम सुंदरम कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रामिड़ उत्तर बंगाल है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैंने पहनी बात ही अपने चलते थे वो शायद से साजिद काफे थर 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 सुनकर उनका नाम छोटा सा पर सरपट उनकी चाल रे दुगना सा देर से है गुजरते सीना पागला पागल भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है ढाल तिलक और हाथ खड़े दुर्गा है काली माई है भाग फिरंगी
नाम भी आता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बेगम हजरत महल अवध की आखिरी बेगम उन चंद वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लुढ़ा लिया। बेगम हजरत महल मजबूत इरादों वाली उन महिला शासकों में थी जिन्होंने अंग्रेजों के रहम पर जीने के बजाय स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के सिद्धांतों पर विश्वास किया। मर्दों के हाथ की तलवार बनी हुई थी, वहीं ठीक इसी वक्त हिंदुस्तान में एक औरत की तलवार उठाई। मर्दों को खुलेआम चुनौती दी गई। दिल्ली सल्तनत के पक्ष पर बैठने वाली उस औरत का नाम था रजिया। मध्यकालीन हिंदुस्तान पर राज करने वाली इस पहली और अकेली महिला शासिका को आगे जाके सुल्तान कहा गया, रजिया सुल्तान। Good morning, all the participants, and good morning, my hard-working staff members. Everyone, please settle down. I'd like to thank everyone, starting from the parents, to the students, to the teachers, the teaching, and 2 years have almost gone in COVID, and after that, the students have come up with a bang.
a big round of applause to all the participants. I mean, the hard work, the parents are putting, the teachers and the students. I am overwhelmed. I'm really overwhelmed with whatever resources available, the time, because Unitest was conceptualized by Ms. Shabaha and Ms. Rizwana. Thank you, my dear children. Thank you for being a very good audience, a very patient audience. To sum up this auspicious occasion by a vote of जो फैशन शो वाले बच्चे हैं उन लोग के सर्टिफिकेट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालकर और मेरा सिग्नेचर दे के इन लोग को देना सर्टिफिकेट। अजीम लोग का भी सबसे एनर्जेटिक था, सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस, और इन लोग का सबसे ब्यूटीफुल था, सबसे लास्ट परफॉर्मेंस। फर्स्ट एंड लास्ट बस हम लोग आ गए हैं घर में। बस अब भी एंट्री करे, बस थोड़ा सा नाश्ता करते क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही हूँ। और ये देखो रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान जी, जी रजिया सुल्तान जी अपने औकात में आ गए। जी जी ये खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को जो स्नैक्स था योगी में मिलता है वो वाला हम लोग के लिए रखा हुआ है, तो बस वही लोग इंजॉय कर रहे। सुबह मिला था ना कुछ, क्या दिए थे? चिप्स और फ्रूटी। अच्छा, तो बस फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर अभी लोग की स्पोर्ट्स की तैयारी हो जाएगी, मज़ा आएगी, तो देखते रहो, ज्वाइन रहो। तो ये वाला वीडियो यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये लोग स्पोर्ट्स का वीडियो इसके बाद वाले ब्लॉग में डालूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्ट्स की वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का ये तरीका। अल्लाह हाफिज़।